जो भूखा होता है ना उसको रोटी की वैल्यू पता होती है, जिसको हर वक्त बढ़िया खाना मिलता है ना उसको रोटी की वो खाना फेंक देता है, उसकी वैल्यू नहीं करता, उसको वैल्यू नहीं पता होती है। तो जब मेरा उद्धार हुआ था मैं तरसती थी हर संडे चर्च जाने को, मम्मी को मस्का लगाती थी कि एक संडे कोई कह दे कि बेटा ठीक है जाओ, आज तुमको कोई मना नहीं करेगा। मैं हैरान हूँ आज के कलीसिया के लोगों का बिहेवियर देख के, उनको कैसे तड़प नहीं, मैं तरसी हूँ चर्च आने के लिए महीनों, और मैं 9 महीने की विश्वासी थी, मेरी इंगेजमेंट फिक्स कर दी गई, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर लगने वाला था तब मेरी शादी कर दी गई। मतलब मुझे चर्च में बैठ के सीखने का मौका मिला ही नहीं, और मुझे एक बड़े एग्जाम में झोंक दिया गया क्योंकि मेरी किसी ने सुनी नहीं मसीह का। मैं कभी भी देखो, रॉन्ग डॉक्ट्रिन, रॉन्ग टीचिंग और रॉन्ग टेस्टिमनी फॉलो मत करना। रॉन्ग डॉक्ट्रिन, रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग टेस्टिमनी कि हाँ वो नहीं चर्च आते थे, बाइबल नहीं पढ़ते तो उनको आशीष मिल गई, तो हमको भी नहीं। मैंने, मेरे साथ जो हुआ है मैं हमेशा जवानों को समझाती हूँ, कभी भी बपतिस्मा ले लिया है, कभी भी मूर्ति पूजक से शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है। मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताए भाइयों ने कि वो फला फला कह रही थी कि देखो स्मृति सिस्टर ने एक आत्मा जीत लिया तो मैं भी जीत लूंगा। मेरे जीवन में तो कोई था ही नहीं, तुमने पहले किसी को चुन लिया, अब तुम मसीह के वचन की आड़ ले रही हो, ये गलत है। तो मुझे वैल्यू पता है। और जब मेरा बच्चा छोटा था, हमारी हमको कभी भी पास की चर्च नहीं मिली, हमें हमेशा दूर की चर्च मिलती थी, हमेशा कभी बिल्कुल बगल की चर्च नहीं मिली हमको। और जैसे पास्टर ने बताया इनकी ड्यूटी लगती थी, तो मुझे पता था कि छोटा बच्चा तंग करता है वो चर्च में। हम लोग बारी बारी से बैठते थे, एक वर्शिप में बैठता था, दूसरा उसको लेके बाहर खड़ा रहता था क्योंकि फिर चर्च डिस्टर्ब होती है ना, तो एक को बाहर खड़े रहना पड़ता था। जब वो वर्शिप वाला वर्शिप खत्म हो गया, फिर पास्टर, मतलब पास्टर एक संडे, पास्टर एक संडे में, फिर पास्टर बाहर आते थे तो वचन सुनने में आ जाती थी, फिर अगले संडे मुझे वचन मिल गया तो मैं वर्शिप में बैठती थी, फिर ये उस लेके बाहर खड़े होते थे। तो हम ऐसे टर्न मानते थे, तब हमारी ऐसे चलती थी चर्च संडे दर संडे, कभी नागा नहीं किया। लेकिन जब इनकी ड्यूटी लगती थी तो मैं सोच के कभी भी घर में आराम से नहीं बैठी कि बच्चे का पूरा बैग लादना, उसका डायपर, उसकी बॉटल, उसका ये बिस्किट, खिलौना या जो भी है, और एक में बाइबल और नोटबुक, और हमेशा मैं नोटबुक लेके जाती थी, तो एक नोटबुक, बाइबल और अपनी बॉटल पानी की, तो ये दो दो ला दूं, फिर बच्चा गोद में ला दूं, फिर ऑटो पकड़ूं, फिर उतनी दूर जाऊं, और उसमें भी बच्चा तंग करेगा, मुझे पूरी चर्च में तो बैठने नहीं देगा, तो चलो पति की आज ड्यूटी है तो मैं घर बैठती हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और ये मैं महिमा के लिए नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे वफादारी निभानी है, क्योंकि यीशु ने क्रूस पे वफादारी साबित किया मेरे लिए। कभी भी मुझे याद नहीं है जिस दिन से मुझे चर्च जाने की परमिशन मिली मेरे पति से, जब उनका भी उद्धार हो गया बेटा होने के बाद, कि मैंने कभी चर्च छोड़ा हो। चाहे टीडी पे गए, चाहे 3-3 महीने एयरफोर्स से, तो 3-3 महीने के लिए कोर्स पे भेज दिया जाता था। हम माँ बेटे हमेशा चर्च जाते थे, उसको छोटा सा बच्चा गोद में लेके चर्च जाती थी, भले ही बाहर खड़ी रहूँ, दूर माइक से सुनती रहूँ, वहाँ दूर खड़े होके आवाज़ सुनती रहूँ, पर पूरी चर्च अटेंड होने तक मैं वहाँ रहती थी। क्योंकि मेरी शैतान से यह जंग है कि तू मुझे, तूने बहुत दिन रोका मुझे, जब मैं मेरी मम्मी के घर में थी मुझे तरसती थी चर्च, और जब चर्च से होके जाती थी तो इतनी बातें ऊपर से नीचे तक, जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वही समझ सकते हैं इस चीज़ को, आज कैसे लोग कहते हैं कि हम अपने पति के लिए, हम अपने बेटे के लिए ये नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता, हम अपने ससुराल के लिए, हम अपने मायके के ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि तो उनके दिल में प्यार नहीं है, वफादारी नहीं है। हजार ऊपर से नीचे तक हजारों बातें सुनाने के लिए सब तैयार बैठे रहते थे, कौ 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 क्या, मामा मामी, भैया दीदी नानी, सब सब लगे रहते थे, और फिर मम्मी को बोलते थे तुमने लड़की को छूट दी, तो मम्मी कहती थी अब नहीं जाओगी, ये लोग मुझे बहुत बातें सुनाते हैं, मुझे सुनाते थे, उनको सुनाते थे। लेकिन उसके बावजूद मुझे ये वैल्यू पता था कि मुझे चर्च जाना, शायद कभी जीवन में ऐसा, हाँ एक बार का मुझे याद है, बहुत खांसी आ रही थी तो चर्च को डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं घर बैठी थी, कि जब मैं बार बार खांसूंगी चर्च में तो मैसेज में डिस्टर्ब होगा, आजू बाजू लोग डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं घर बैठी थी। और कल रात को भी, कल भी कंडीशन ऐसी थी कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाई, मैंने दिवित को भेजा डॉक्टर के पास, उठने के योग्य नहीं थी, फीवर था, ठंड लग रही थी, लूज मोशन हो रहे थे, पेट में मरोड़ हो रहा था, पूरा बॉडी पेन था। मैंने दिवित से कहा तुम डॉक्टर से मेरी फोन पे बात कराओ और दवा लिखेगी वो लेके आओ। मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद चल के डॉक्टर के पास तक जाऊं, जबकि क्लिनिक थोड़ी दूर पे ही है मेरे घर के पास। और लेकिन मैं बराबर ये गई थी कि मुझे चर्च जाना है, मुझे कल चर्च जाना है, शैतान तो मुझे रोक नहीं सकता। तो पास्टर ने बोला कि ठीक है तुमसे खड़े नहीं हुआ जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तुम वर्शिप में बैठी रहना।
तो वर्शिप में मैं भी इसलिए नहीं बैठी क्योंकि मुझे गाने वाने का इतना ये नहीं है, लेकिन इसी कलीसिया की बात है, जब हमारी सेवकाई शुरू हुई थी, शुरुआती ही दिनों की बात है, जब रायन के सामने पहले चलती थी फिर यहाँ आ गई थी, तो मैं वहाँ खड़ी रहती थी वर्शिप के समय, मैं कभी इधर नहीं आती थी। और एक दिन मैंने पवित्र आत्मा की क्लियर आवाज़ सुनी कि तुम्हें वहाँ वर्शिप में खड़े होना है। मैंने कहा मुझे गाना नहीं आता प्रभु, मैं खड़े होकर करूँ क्या? परमेश्वर ने कहा तुम्हें लीड कराना है। तो मुझे समझ नहीं आया, लीड कराना है? परमेश्वर ने कहा जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, तुम्हें लीड कराना है, नेक्स्ट संडे से तुम्हें वहां खड़े होना है। तो देन होली स्पिरिट ने मुझे एक्सप्लेन किया, जब मैं खड़े पूरा हफ्ता नहीं रिवील किया, जब मैं यहाँ आके खड़ी, मैंने कहा क्या लीड कर रहा हूँ? तब जो जो सॉन्ग आते गए पवित्र आत्मा मुझे उसके लिए वचन देता गया, देन आई केम टू नो कि अच्छा ये लीड कराना है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे गाने के लिए नहीं कह रहा, तुम्हें लीड कराना है। तो जो काम मैंने खुद से नहीं लिया क्योंकि मैं भागती थी कि भैया ये गाना बजाना मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वचन में 4 घंटे दे लूंगी, तो वो चीजें परमेश्वर ने मुझे अपॉइंट किया। आज हम लोगों को बोलते हैं आइए वर्शिप में, आइए आइए टाइम से, आइए आइए प्रैक्टिस, लोग आते ही नहीं है, उनको प्रभु की सेवा करने का मन ही नहीं है। तो परमेश्वर अगर छोटे से छोटा भी काम दे रहा है ना, उसको करो। और जब हमारे पास कुछ भी काम नहीं था, हमारा एक ही काम था कि बाइबल पढ़ना, चर्च जाना है, तब भी हम पूरी वफादारी से जाते थे। हस्बैंड की ड्यूटी लग गई या उनको बाहर भेज दिया, टीडी पे टूर पे भेज दिया, तो भी मैं जाती थी चर्च। कभी भी पता था कि बच्चा तंग करेगा तो भी, और कभी हम लेट नहीं हुए चर्च में। मेरा पास्टर चर्च के ऊपर रहता था, हैदराबाद में ऊपर उनका घर था, नीचे चर्च हॉल था, पास्टर ऊपर से उतर के नीचे नहीं आ पाते थे, हम चर्च में छोटे बच्चे को लेके पहले होते थे, हम सबसे पहले होते थे। कई बार वो वर्शिप टीम की हमेशा ड्यूटी होती कि वर्शिप टीम को पहले आना होता है, पर कई बार वो वर्शिप टीम के लोग भी नहीं आ पाते थे, हम पहले होते थे, हम वहां पे होते थे। और एक जगह नहीं, हर जगह जहां जहां ट्रांसफर हुआ, हर जगह हमारे और वर्शिप टीम के बीच में कंपटीशन होता था कि वर्शिप वाले बंदे वो भाई लोग पहले आएंगे कि हम पहले पहुंचेंगे। और वो लोग बोलते थे दीदी आपको नहीं हरा पाते हैं, तो मैंने कहा नहीं ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, तो एक हेल्दी है, हेल्दी कंपटीशन है। तो वो चीजें थी। एक बार एक पास्टर के लड़के ने पास्टर को जाके बोला, क्योंकि वो लड़का चर्च में आके सेवा करता था, पहले ही म्यूजिक सिस्टम सब सेट करता था, और पास्टर बाद में, फिर पास्टर आते थे अपने टाइम से आते थे, तो उसने बोला था अपने पापा को, पास्टर ने चर्च में बोला था कि ये जो तिवारी फैमिली है ये हमेशा हमारे टाइम पे हमारे साथ ही पहुंच जाती है, पूरी चर्च खाली होती है ये लोग पहले पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ ये नहीं था कि हमें कुछ दिखाना है या कोई सुनाम करना, सिर्फ एक मेरे प्रभु के साथ रिश्ता ऐसा है कि मैं कभी भी उसको लेट डाउन या कोई बहाना या कोई ऐसी चीज को मैं अपने रास्ते में अड़चन को आने नहीं दे सकती। मेरे और यीशु के बीच में शैतान एक लिमिट तक तंग करता है, जब उसको पता होता है वो छोड़ के भाग जाता है, उसको पता है कि ये ढीठ है, ये नहीं सुधरेगी, ये तो यीशु के लिए ही करेगी, छोड़ के भाग गया। आमेन। सारी महिमा यीशु को मिले। और मुझे बहुत ताजुब होता है कि कैसे लोग बैठे रहते हैं, मौसम देख के बैठ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं से ठोकर खा के गुस्सा होके बैठे हैं, मैं जानती हूं लोग बैठे हैं चर्चेस से नाराज हो गए तो घरों में बैठे हैं। मैं नहीं बैठ सकती, मैं किसी भी चर्च के दरवाजे पर, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं किसी भी चर्च के दरवाजे पर जाकर बैठ जाती कि पास्टर जी प्लीज हमें यहाँ गेट पर ही बैठा रहने दो, हमें बैठने दो। मैं घर नहीं बैठती थी, मैं नहीं बैठ सकती थी कि मेरे इमोशन हर्ट हो गए तो हम घर बैठेंगे, नहीं कभी नहीं, या मुझे बहुत आता नहीं, कभी हमने ऐसा किया ही नहीं। इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सीखें। तकलीफ में अगर तुम रात भर करवट बदलती रही, बहुत तप रही थी, बुखार तेज था, सुबह उठी तो बुखार नहीं, इवन रात को 10 बजे के बाद मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मैंने कहा आपने दवा ठीक से नहीं दी, मुझे मेरा फीवर नहीं उतर रहा है। कह रही मैंने दी है मैडम दवा, दी है, आप सो जाओ, रजाई ओढ़ के सो जाओ, ठंड लग रही है तो सुबह आप ठीक हो जाओगे। और सच में मैं सुबह, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे चर्च, आज शायद संडे नहीं होता तो मैं उठती भी नहीं बिस्तर से, क्योंकि संडे था इसलिए मैं उठी कि नहीं मुझे तो चर्च आना है। तो जब आप एक फैसला लोगे उस फैसले पे यीशु आशीष देगा। मेरी कुवत नहीं है या मेरी महिमा या बड़ाई नहीं है, मैंने फैसला लिया है कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना अवश्य है, उसको यीशु ब्लेस करता है और उसको शैतान फिर नहीं रोक पाएगा। आमेन।